आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीटी साइंस गुरुजी में। आज हम क्लास 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पक्का आएंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बीटी साइंस गुरुजी को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न। पहला है उष्माशेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ उदाहरण दें। आगे हमारे पास क्वेश्चन होता है, श्वसन को उष्माशेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही आने के पूरे चांस है। नेक्स्ट है, निम्न पदों का वर्णन करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। किस किस का वर्णन करना है, संसारण एवं विकृत गंधिता का। अगला जो हमारे पास प्रश्न होता है वो है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये जो ये प्रश्न है हर बार आ जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन बनता है, उपचयन तथा अपचयन में क्या अंतर है। अगला जो प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसके सामान्य गुण और उपयोग लिखिए। ये भी हमारे पास महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे हमारे पास होता है, बेकिंग सोडा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं करा रहा हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। पिछली 5 साल के जो भी ऐसे प्रश्न जो बार 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 पूछे गए हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ, और इनमें से 85 to 90% जो प्रश्न है वो पक्का एग्जाम में आ जाएंगे। आगे हमारे होता है, पीएच स्केल क्या है, यह किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता कैसे दर्शाता है। अगला हमारे पास प्रश्न बनता है, अम्लीय वर्षा क्या है, पेरिस प्लास्टर के महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में लिखिए। ये हमारे पास हो गए रसायन विज्ञान के। रसायन विज्ञान के हमारे पास कुछ और बनते हैं, जो भी मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज हो रहे हैं सारे के सारे जो प्रश्न हैं। आगे मेरे पास है, तांबे के बर्तन में दूध दही क्यों नहीं रखने चाहिए, सभी को पता है वो एसिड बना देता है। आगे प्रश्न है अगला, तनुकरण क्या है। इससे अगला जो प्रश्न है, मिश्र धातु क्या होते हैं। मिश्र धातु के ऊपर जितने भी आपके पास प्रश्न बनते हैं उनको आप अच्छे से तैयार करिए। प्रश्न है अगला, इन पदार्थों की परिभाषा दे। कौन सा है, पहला खनिज है, दूसरा अयस्क है, तीसरा गैंग है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये। इससे अगला जो प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताएं। ये भी जो जंग के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। थर्मिट अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसके उपयोग भी लिखिए। इसे अगला, पीतल के अवयव घटक लिखो। जो भी हमारे पास अवयव घटक होंगे इस सभी के ऊपर जितने भी आपके पास प्रश्न बनते हैं अवयव घटक पर आप सभी के सभी, जरूरी नहीं पीतल कॉपर के ऊपर भी बन सकते, जिस किसी के ऊपर भी बने आप उन सभी के लिखिए, लोहे के ऊपर भी बन जाता है। अगला है, कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की शक्ति क्यों होती है, वर्णन कीजिए। इसे अगला जो क्वेश्चन है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। काफी इंपॉर्टेंट है साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया। इसे अगला प्रश्न बनता है, समावयव से क्या अभिप्राय होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इससे जो अगला प्रश्न है, साबुन और अपमार्जकों में क्या अंतर है, लिखिए। इससे अगला जो हमारे पास प्रश्न बनता है, निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और
कौन कौन से हमारे पास पद हैं? एष्टीकरण, एष्टीकरण क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इससे आगे हमारे पास जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, उसको कैसे है, CH3CH2OH, इसमें गर्म संधारक H2SO4 डाल दिया है, CH3CHOOH बन जाएगा। इससे अगला, इसमें अमल डाल दिया है, CH3COOH, CH3CH2OH। ऐसी जितनी भी हमारे पास रसायन अभिक्रिया बनती है, आप उन सभी को तैयार कीजिए। ये जो सेकंड है, ये एक एस्टीकरण का ही उदाहरण है। इससे आगे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें इसने निकल उत्प्रेरक और हाइड्रोजन गैस के साथ डाल दिया है। आप याद रखना, कहीं पर भी आपको निकल और डबल बॉन्ड दिखे, जो भी निकल उत्प्रेरक होगा वो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। इससे आगे है जो डाब्रेन, डाब्रेनर ने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, उदाहरण दे। ये भी हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब हम इससे आगे अगर हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण पर्सन बनते हैं वो हम देखते हैं। पहला है हमारे पास पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। इससे अगला प्रश्न बनता है, मानव वृक्क में मूत्र किस प्रकार बनता है। इसका आपसे चित्र भी बनवाया जा सकता है। इससे जो अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए चित्र के साथ। ये भी हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धमनी एवं शिरा में दो अंत्र कौन कौन से होते हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इससे जो आगे है, अपोहन क्रिया किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया को समझाइए। इससे आगे हमारे पास जो जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या होते हैं। इससे अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया को उपयुक्त उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। जितने भी करा रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी राज्य का बोर्ड हो, सभी को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। इससे अगला प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इससे अगला है, परागण क्रिया क्या होती है। और इससे अगला जो प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण है, दो वायरस संक्रमण लैंगिक संचारण रोगों के नाम लिखिए। ये प्रश्न आपके पास एक नंबर में आ सकता है। इससे आगे हमारे पास चार और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जीवाश्म क्या हो क्या है वह जीवाश्म क्या है वह जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाता है। इससे अगला प्रश्न है, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक होते हैं। जीव विज्ञान का जो ये दूसरा प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है ये। मेंडल में अनुवांशिकता के प्रबलता के नियमों की व्याख्या कीजिए। जो मेंडल नियम है उसको आप अच्छे से याद कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बनते हैं यहाँ से। आखिरी क्वेश्चन जीव विज्ञान का, जीवों में डीएनए विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है, वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तर दर्पण की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये, आपका 2 से 3 नंबर में आसानी से आ सकता है। इससे आगे हमारे पास अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन और परावर्तन के नियम जो हमारे पास किरण का जो हमारे पास पाठ है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है ये दोनों।
इससे अगला ही प्रश्न क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए। इससे आगे किसी लेंस की शक्ति से क्या अभिप्राय है, इसे किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इससे अगला प्रश्न दर्पण सूत्र लिखिए। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, लेंस सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र दोनों ही आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसे जो आगे का प्रश्न है, मानव आंख के दोषों को रेखांकित चित्रों की सहायता से दूर करने के उपाय समझाइए। मानव आंख के दोष हैं, इन सभी से, मानव आंख के दोष से जो भी प्रश्न बनते हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेत्रदान की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये भी। इसे आगे है टिंडल प्रभाव क्या होता है। कुछ आखिरी के जो हमारी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, श्रेणी कर्म तथा समांतर कर्म प्रतिरोध का परिणाम प्रतिरोध कितना होता है व्याख्या करो, और ओम नियम क्या है। जितने भी नियम हैं हमारी विज्ञान में सिलेबस में, जितने भी हमारे पास नियम बनते हैं, आप सभी उनको अच्छे से तैयार कीजिए। नियम पक्का आएंगे। किसी विद्युत धारावाही वृत्तकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, उसकी विशेषताएं लिखिए। जो भी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है के ऊपर जो भी हमारे पास प्रश्न बनते हैं, आप उनको तैयार कीजिए। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम इंग्लिश में एसी और डीसी, दिष्ट धारा में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। कुछ तीन जो आखिरी के, जैव गैस क्या होती है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, पवन ऊर्जा क्या होती है, इस ऊर्जा का उपयोग कैसे हो सकता है। आखिरी का विज्ञान का प्रश्न है पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराए हैं, सभी को आप अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ से हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हर साल जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, जो भी पिछले 4 से 5 साल में प्रश्न आए हुए हैं, वो सभी मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए। और अगर आपको हिंदी माध्यम में और कोई भी वीडियो चाहिए सिलेबस रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।